गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मैं अपने डॉग्स के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। मेरी तीनों फीमेल पीछे बैकग्राउंड में खेल रही है, देखिए आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में फीमेल, देखिए डॉग को ना सुबह मॉर्निंग में आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। किस तरह से ये आपस में खेलते हैं, एनर्जी इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए डॉग अगर आपस में बॉन्डेड है तो बहुत छोटी जगह पे भी बहुत हैप्पी रह सकते हैं। अगर डॉग में आपस में बॉन्ड्स नहीं है, अगर वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। देखिए अगर एक डॉग के लिए अगर आपने 4x6 का एक छोटा सा स्पेस रखा हुआ है, मैं छोटा इसलिए बोलूँगा कि बुलमेस्टिफ के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है और शहर के अंदर जगह ज़्यादा दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने एक डॉग के लिए 4x6 की जगह दी हुई है, तो आपको दो डॉग के लिए 4x6 4x6 दो जगह देनी पड़ेंगी और तीन डॉग के लिए ऐसे ही 4x6 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 तीन अलग सेपरेट केजेस बनाने पड़ेंगे। तो डॉग को जो घूमने की जो प्लेस मिलती है वो बहुत लिमिटेशन मिलती है। लेकिन अगर आपके डॉग कंपैटिबल है एक दूसरे से, आप दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, तो वो लोग इस कॉमन प्लेस में, मतलब 6x12 की इस प्लेस में तीनों डॉग आराम से रह सकते हैं। क्योंकि देखिए एट ए टाइम एक डॉग को घूमने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। तो क्योंकि डॉग आपस में खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो इस जब आप कॉमन प्लेस में रखते हैं उनको, तो काफ़ी सारी जगह उनको कॉमन प्लेस मिलती है। देखिए पीछे फीमेल्स खेल रही हैं, अगर इसी एरिया को मैं तीन हिस्से कर दूँ तो एक डॉग के लिए बहुत छोटा एरिया बचेगा, बहुत कन्फाइंड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको रहने के लिए। और आपको भी ऐसा फील होगा कि जैसे कि ये ना डॉग ना बहुत छोटी जगह में रह रहा है। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ रह सकती है, एक साथ खेल सकती है, खा सकती है, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर काफ़ी सारे डॉग एक साथ रह सकते हैं और बहुत खुला खुला रह सकते हैं, बहुत हैप्पी रह सकते हैं। इसका एक फ़ायदा मैं आपको और बता दूं कि देखिए जब डॉग साथ में रहते हैं तो उनको लोनलीनेस नहीं होती। अब मैं अपने डॉग्स के साथ में हमेशा नहीं रहता, मॉर्निंग और इवनिंग ही एक एक घंटा टाइम दे पाता हूँ। लेकिन इसके अलावा वो अपने केज में आराम से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में डॉग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो हमेशा आपको याद करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे और आपके आने का इंतज़ार करेंगे। अगर वो आपस में एक दूसरे से कंपैटिबल हैं तो वो आपको याद नहीं करेंगे, जब आप उनके सामने आएंगे तभी आपके साथ में वो टाइम बिताएंगे। अब देखिए ये दोनों डॉग जो हैं, मेल फीमेल है, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत पुराने डॉग्स हैं, तो मेरे साथ में इनको मॉर्निंग में खेलना बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके साथ में टाइम बिताता हूँ। फीमेल तो अक्सर वो मुझसे एक गेम खेलती है जिसके अंदर मैं उसको अपना, वो मुझसे मेरा हाथ मांगती है, वो कहती है ये मेरा हाथ दे दो, मुझे इसके साथ खेलना है। मतलब वो इसको ना एक ऐसे प्रे की तरह ट्रीट करती है, मैं हाथ को कहीं पे भी लेके जाऊं उसको वो हाथ चाहिए ही होता है। तो अगर मैं अपने हाथ को छुपा दूं ना तो वो ढूंढ के निकालती है मेरे हाथ को, इस तरह से वो खेलती है। मेल है, मेल बहुत समझदार है, मेल थोड़ा सा बड़े होने के बाद में, हेल्दी होने के बाद में थोड़ा सा काम हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए पीछे फीमेल्स को देख लीजिए, उनकी एक्टिविटी बिल्कुल आपको अलग मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उनकी जो एज है वो एक साल दो साल के बीच में है, तो बहुत अच्छी तरह से वो लोग रहते हैं, बहुत एनर्जी है उनके अंदर, बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं। लेकिन ये जो डॉग है, जो एडल्ट डॉग्स हैं, इनके अंदर मेन बात यह है कि इनके अंदर एनर्जी तो है लेकिन ये काम एंड क्वाइट है। आपको ना बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप इनके साथ में ना बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हो, आप बच्चों को भी इनके साथ छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ओवर द ईयर्स ये समझ गए कि किस तरह से रहना है, किस तरह से खेलना है, कितना बाइट करना है, कितना खेलना है। अब देखिए फीमेल है, ये मेरे साथ खेल रही है, लेकिन इसको पता है कि किस लेवल का खेलना है इसको बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, यंग जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर सारी हरकतें तो होती है लेकिन उनके अंदाजे ठीक नहीं होते, कभी कभी वो कूद कर मुँह पर पाँव मार देंगे या आपके ऊपर ही कूद जाएंगे, चोट लग जाती है कभी कभी, जैसे फेस के ऊपर कूद गए या नाखून लग गया या दांत लग गया, इस तरह की दिक्कत ना आपको एडल्ट डॉग्स में नहीं मिलेगी। इसलिए जो मैस्टिफ ब्रीड है बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, लेकिन आपको भी उनको टाइम देना पड़ेगा। मैं दोनों डॉग्स को सेपरेट टाइम देता हूँ कैमरे के साथ में। आप सोचते होंगे कि मैं इन दोनों डॉग को ही क्यों निकालता हूँ, क्योंकि कैमरे के साथ में इन दोनों डॉग को ही मैं मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे डॉग को साथ में लाऊंगा तो फिर मैं कैमरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो मेरा वो वाला हाथ भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी जो डेजी है वो आराम से मेरे एक हाथ के साथ खेलती रहेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है।
और लेकिन ये दूसरी जो फीमेल्स हैं ये तो मतलब आप समझ नहीं सकते, वो अलग लेवल की मतलब गेम खेलते हैं मेरे साथ में, तो उनको मैं अलग से टाइम देता हूँ जब मैं अपना मोबाइल रख देता हूँ। अब डेजी है, डेजी ने मतलब पूरा अटैकिंग मोड में है, ये खेल रही है और इसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब करीबन ये 15-20 मिनट जब तक मुझसे नहीं खेल लेती कैच तब तक इसको मज़ा नहीं आता। अभी इसके बाद में अब मेल को देखिए, जब मेल को लगता है कि सिचुएशन ख़राब होने जा रही है तो ये बीच में ज़रूर आ जाता है। मेरे वीडियो बनाने का मतलब है कि आप भी अपने डॉग्स को टाइम दीजिए ताकि वो भी आपके साथ हैप्पी रह सकें, हेल्दी रह सकें। आपको इसके बारे में कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वक्त रहते जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। कैसे डॉग्स को हेल्दी रखें, क्या खाना दें, क्या क्या सप्लीमेंट्स दें, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, 400 से ऊपर वीडियोज़ हैं। आप सर्च कर सकते हैं ड्यूरेबल कैनल, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, फूड पपीज़ के लिए, मैस्टिफ्स के लिए, मैस्टिफ्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सब के बारे में वीडियोज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए गुड डे।